सब्सक्राइब करें मेरी चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सेवंथ क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार कोण ए के और ऊंचाई एच के समान दी हुई है। तो इसमें हमें दो चीजें दी हुई है, एक हमारे पास दिया हुआ है ऊंचाई, वो हम ले लेते हैं। ये हमारे पास ऊंचाई है, ये हमारी है एच रेखा के समान। थोड़ी हम ऊंचाई बड़ी ले लेते हैं, ये हमने ले ली है एच के समान है। और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं कोण, ये कह रहा है कि एक कोण दिया हुआ है और वो है ए के समान दिया हुआ है। तो मैं यहाँ जैसे ले लेता हूँ कोण, ये मैंने कोण रेखा ले ली है और मैं यहाँ पे चाप लगा लेता हूँ और यहाँ से मैं इसमें एक लाइन लगा लेता हूँ ऐसे। ये मेरा कोण है ए। तो हम एक रेखा ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमने एक रेखा ले ली है और इसमें हम नाम देते हैं ए। यहाँ पे हम अभी कुछ नाम नहीं देंगे क्योंकि ये बढ़ भी सकती है रेखा, कम भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने कोण बनाया था इतनी प्रकार खोलेंगे ये और हम यहाँ पे इसको चाप लगा देंगे ए रेखा। ये हमने चाप लगा दी, जितना ये इधर को है ये देखिए इतनी प्रकार खोल के हम यहाँ पे इस चाप को काट देंगे ऐसे, जितना ये आ रहा है यहाँ। मैं इस चाप को थोड़ा डार्क कर लेता हूँ क्योंकि लाइट हो गया था। तो अब हम यहाँ पे एक रेखा लगा देंगे जो एक कोण हमने बनाया है इस पे, ये डॉटेड लाइन हम लगाएंगे ऐसे। और अब क्या करेंगे, जितना हमारे पास एच है जो ये हाइट हमें दी हुई है ये इतना, इतनी प्रकार खोल के हम चाप लगा देंगे ऊपर। यहाँ से एक चाप हम यहाँ से लगा देते हैं ऐसे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन चापों के नाम भी दे सकते हैं, जैसे इसका नाम हम दे देते हैं के और यहाँ हम नाम देते हैं डी और ऊपर से हम इन चापों को मिला देंगे। ये सारा कार्य हमारा डॉटेड रहेगा। ये हमारी सहायक रेखाएं हैं, ये देखिए जहाँ पे ये कट रहा है ये पॉइंट आ जाएगा सी और हम इस रेखा को डार्क कर सकते हैं और ये हमारी त्रिभुज की जो है वो दूसरी भुजा आ चुकी है। एक भुजा ये है, एक ये आ गई है। अब हमारे पास ये ए कोण है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने सी पर प्रकार करके ये देखिए ए जितनी प्रकार खोलनी है और यहाँ से हम एक चाप लगा देंगे ऐसे, ऐसे हम चाप लगाएंगे। मैंने पहले ही कहा था ये रेखा बढ़ सकती है घट सकती है, इसलिए हम इसका कोई नाम नहीं देंगे। ये देखिए अब इसलिए रेखा हमारी बढ़ चुकी है, मैं इस रेखा को डार्क भी कर सकता हूँ और आगे भी बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर अब ये आ गया बी और बी को हम मिला देंगे सी के साथ। तो ये देखिए ये हमारा एक कोण से लेकर के जो है वो दो रेखाएँ हमारी बन चुकी है, एक ये रेखा बन चुकी है। ये देखिए ये रेखा छोटी है ये रेखा और ये रेखा बड़ी है जो हमारी दो भुजाएं हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज था। तो ये देखिए आप समद्विबाहु मीन्स दो भुजाएं इसके बराबर थी, एक ये भुजा बराबर है और एक ये भुजा बराबर है और जो आधार वाली भुजा है ये हमारी छोटी है, इसलिए बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। प्रश्न नंबर 8 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी रेखा के समान और शीर्ष कोण एक्स के बराबर दिया है। तो हमने सबसे पहले एक ए बी रेखा लेनी है, ए बी रेखा ले लेते हैं, ये हमारी ए बी रेखा है और एक हमारे पास दिया हुआ है शीर्ष कोण एक्स।
तुम वो कोण भी ले लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे एक कोण बना देंगे। ऐसे और यहाँ पे लाइन लगा देते हैं। ये हमारे पास एक दिया हुआ है एक्स कोण दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये भी रेखा का समद्वि भाजन कर देंगे। तो आधे से ज्यादा प्रकार खोल के हम चापे लगाएंगे दोनों साइड और हम इसको अब इस चाप में कर देते हैं ऐसे और यहाँ पे इसको मिला देंगे। जैसे हमने इसको मिला दिया है, हमारे पास एक शीर्ष कोण दिया हुआ है। इतनी प्रकार खोलेंगे जितना शीर्ष कोण है, ये देखिए इतनी प्रकार खोल के हम यहाँ से इसको शीर्ष नीचे को हम यहाँ पे कोण बना देंगे ऐसे। यहाँ से चाप लगा देंगे और ये हमारा जो है वो एंगल बन के तैयार हो गया है ऐसे। ये हमारा बन गया एक्स कोण, शीर्ष कोण है, एक्स कोण बन गया है। अब हमने क्या करना है, ये जो रेखा है ये इसको हम आधार मानेंगे। जो ये रेखा आ रही है इसको आधार मान करके हम जो है इस पे 90 डिग्री का कोण बना देंगे। जितनी प्रकार खोल दी जितनी पहले हमने चाप लगाई थी और हम इसको आगे बढ़ा देंगे। यहाँ से ये पहली चाप लगी 60 डिग्री की, यहाँ लगी है, और दूसरी चाप लगी 120 डिग्री की। इसी चाप को हम आगे बढ़ा देंगे और यहाँ से हम इस चाप को यहाँ पे हम इस चाप को काट देते हैं। ये देखिए ये हमारा बन गया 90 डिग्री का। ये देखिए अब हम इसको मिला देते हैं यहाँ पे ऐसे। डॉटेड हम इसको मिला देंगे। जहाँ पे ये कट रहा है ये यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे ओ। जहाँ पे ये वाली रेखा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण बन गया है। ये देखिए इस रेखा पे ये 90 डिग्री का कोण बन गया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सेंटर पॉइंट आया है, ओ बिंदु आया है, इस पे हम प्रकार रखेंगे और ए जितनी प्रकार खोलेंगे या हम बी जितनी प्रकार खोलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कितनी प्रकार खोल दीजिए और हम यहाँ पे इसमें सर्कल लगा देते हैं। ये ऐसे हम यहाँ पे सर्कल लगा देंगे इस तरह से। देखिए हमारा सर्कल लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये समद्वि भाजन वाली रेखा पे यहाँ पे लाइन कट रही है, ये पॉइंट आ गया सी। हमने जो है वो बी और सी को मिला देना है आपस में। ये देखिए और अब हम सी और ए इसको भी हम मिला दें। ये हमारा मिल गया है, यहाँ पे सी और ए भी हमारा मिल चुका है और हमारा बी और ए भी मिल चुका है। ये हमारा समद्विबाहु बहुत ही कुछ बन चुका है। ये देखिए मैं आपको बेरी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये एक रेखा है, ये दूसरी भुजा है और ये देखिए ये भुजा हमारी कम है। इनसे समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी दो भुजाएं बराबर है और एक भुजा छोटी है। तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन के तैयार होगा।